तो सदन में रोज बवाल काट रही जया बच्चन के सामने जब आ गई रेखा, तो क्या हुआ उनका हाल? कैसे अकड़ दिखा रही जया की रेखा को देखकर हो गई बोलती बंद? राज्यसभा में क्या हुआ जब आमने सामने आ गई रेखा और जया बच्चन? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो 2004 से समाजवादी पार्टी से राज्यसभा में सांसद हैं जया बच्चन। वो अक्सर अपने बयानों से सदन में तहलका मचाती रहती हैं। उनकी बहस सभापति से हर एक मुद्दे पर हो ही जाती है। मौजूदा बजट सत्र में पति अमिताभ बच्चन के नाम को लेकर जया बच्चन हंगामा काटे हुए हैं, क्योंकि सभापति उनका पूरा नाम जया अमिताभ बच्चन सदन में बुला रहे हैं, जिससे जया बच्चन को काफी दिक्कत हो रही है और वो कह रही हैं कि उन्हें केवल जया बच्चन कहा जाए। हालांकि उन्होंने खुद अपना नाम जया अमिताभ बच्चन ही राज्यसभा में रजिस्टर करा रखा है। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। थैंक यू सर। सर आपको अमिताभ का नाम मतलब पता है? बदल दीजिए, बदला दूंगा। नहीं, मैं वेरी प्राउड ऑफ द एसोसिएशन फॉर मैरिज एंड माय हस्बैंड। एक सेकंड। माननीय सदस्यगण, जो नाम इलेक्शन सर्टिफिकेट में आता है और जो यहाँ सबमिट किया जाता है, उसके अंदर बदलाव की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का लाभ मैंने खुद उठाया था 1989 में। वो बदलाव की प्रक्रिया हमने हर सदस्य नो सर, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय नेम एंड माय हस्बैंड एंड हिज अचीवमेंट। मैं आपको एक बात बताता हूं, इट सिग्निफाइज आभा जो मिट नहीं सकती। आई एम वेरी हैप्पी। वन सेकंड। अब जया बच्चन की तकरार इसी तरह से सदन में हो रही है, तो इसी बीच रेखा का भी जिक्र होने लगा है, क्योंकि राज्यसभा में रेखा जब पहुंची थी तो उस वक्त भी जया बच्चन का मुंह बन गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि रेखा संसद में कैसे और कब पहुंची? तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं। साल था 2012। रेखा को राज्यसभा के लिए सिलेक्ट किया गया था, कांग्रेस का सपोर्ट था। ऐसे में जब रेखा राज्यसभा पहुंची थी तो उनका क्रेज देखने लायक था। सदन में उनकी फैन फॉलोइंग दिखी थी। रेखा के राज्यसभा में एंट्री करते ही सामने बैठी जया बच्चन के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी, क्योंकि अमिताभ रेखा को लेकर क्या चर्चाएं रही हैं हर दौर में ये सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं। ऐसे में शायद रेखा को देखकर जया बच्चन असहज हो गईं। हालांकि रेखा ने इन सब चीजों पर ध्यान दिए बगैर राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली थी और 2018 तक राज्यसभा के लिए संसद सदस्य के रूप में कार्य किया था। इस दौरान वो राज्यसभा में बहुत कम नजर आईं। उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन जब वो पहले दिन राज्यसभा में पहुंची थी तो बड़ी शालीनता के साथ शपथ ली और अपनी मधुर वाणी से सबको अपना मुरीद बना लिया था। आई रेखा गणेशन, हैविंग बीन नॉमिनेटेड अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड, दैट आई विल अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. मतलब एक तरफ रेखा बड़ी शालीनता के साथ नजर आई थी राज्यसभा में 2012 में जब वो शपथ ले रही थी, वहीं उस वक्त जया बच्चन उन्हें देखकर एक तरीके से चिढ़ गई थी। वहीं दूसरी तरफ जया बच्चन रोज ही सदन में बहस करती रहती हैं, कभी किसी मुद्दे पर सभापति से लड़ जाती हैं तो कभी किसी मुद्दे पर। मौजूदा वक्त में पति अमिताभ बच्चन के नाम को लेकर वो लगातार बहसबाजी कर रही हैं। इसीलिए लोग अब रेखा की वीडियो वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरीके से राज्यसभा सांसद को होना चाहिए। ऐसे में चलिए आपको सुनाते हैं कि जया बच्चन किस तरीके से सदन में बहस करते हुए गुस्सा कर रही हैं और सभापति से लड़ रही हैं। वहीं रेखा और जया बच्चन को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। ऑनरेबल मेंबर्स, जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। सर मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग सर, यू मे बी सिटिंग ऑन द चेयर। जया जी, एंड आई रिमेंबर व्हेन आई वेंट टू स्कूल,
दयाल जी टेक योर सीट, दयाल जी टेक योर सीट, टेक योर सीट, टेक योर सीट, टेक योर सीट, वन सेकेंड ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल में नो बैठिए 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 ऑनरेबल मेंबर्स बैठिए 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 आई नो हाउ टू डील विद इट बैठिए जया जी यू अर्नड अ ग्रेट रेपुटेशन यू हैव अर्नड अ ग्रेट रेपुटेशन यू नो एन एक्टर इज सब्जेक्ट टू द डायरेक्टर यू हैव नॉट सीन व्हाट आई सी फ्रॉम हियर एवरी डे I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say my tone? No, no, no shit given to you. No. No, don't applaud now. No. Enough of it. Enough of it. No. Enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, no, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. Question number 196, Sushmita Dev. Sir, she's a member of parliament. How can you call her a celebrity, sir? Sir, she's a senior member of parliament. And the senior member of parliament has a license. Nothing is going on record. A senior member of the parliament has a license. To run down the reputation of the chair? To question the tone and tenor? Yes, I have to be in reaction mode to take care of the situation. I have highest respect, but to make it a habit, my tone, my language, my temper, I don't go by script of others. I have my own script. I am not operated by anyone else. Nothing will happen, Khadge ji. Thinking has to be from within. Nothing will happen. We have to get... No, Jaya ji, take your seat.